ले लिए हैं, देखिए बांस हम उठा लिए हैं, दो दो बांस। और ये देखिए आगे विकास बाज रहे हैं, ये रो रहा है। ए, क्या हुआ? चल बोला। धूप लग रहा है तो, धूप लग रहा है तो आप कुछ पहने नहीं है, गंजी है जी। इनका क्या नाम है? तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आज हम आए हैं मतलब बक्सर बिहार में, और मामा की लड़की की शादी है, तो 6 तारीख की शादी है, तो कल मंडप बनेगा, मतलब जो शादी ब्याह होता है प्रोग्राम उसमें मंडप बनता है। तो अभी जस्ट वहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब बांस कट रहा है, मतलब तो जा रहे हैं बांस कटवाने के लिए। और ये देखिए गांव, बारिश भी हो चुकी है, कल ही रात में बारिश हुई, कल तिलक था तो तिलक में हम लोग गए थे, तो कल रात में बारिश हुई। और ये पीछे आ रहा है मेरा मामा का लड़का, बहुत चंट है, देखिए इसको साइकिल से। भाई देखिए गांव पूरा यहीं पे बांस कट रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी, ये देखिए। और आगे चल रहा है विकास, विकास द माफिया। और ये देखिए सबसे चंट लड़का है, रहता है कश्मीर में, अभी आया कुछ दिन के लिए, फिर थोड़े दिन वो चले जाएगा। तो भाई चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का सीन कैसे बांस कटता है, देसी स्टाइल से शादी का पूरा A to Z। ये देखिए और ये हमारा सोनू भाई जो कि बांस लेके जाता हुआ, बढ़िया लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। और रुक जाओ। और ये देखिए ये दूसरा अनिल द डॉन, कपड़ा लेता अपने नाप का भी नहीं ले पाता ये। और ये देखिए एक और बंदा आ रहा है, रुपेश भूरी आंखों वाला, ये भी बक्सर का ही इधर रहने वाला, फाउंडेशन स्कूल में पढ़ता है, आराम से लेके जाओ। और ये देखिए मनोज भाई अपना पूरा लगा है बांस काटने में, और ये हमारे मामा, और ये भैया, और ये नाना लगेंगे। और ये देखिए गाइस बांस कट रहा है, कुछ बताएंगे पब्लिक को? क्या बताए पब्लिक को, देख रहे हैं अभी हम लोग का सिवान एकदम हरा भरा दिख रहा है, सिवान का मजा लीजिए। गाइस जैसे कि बता दे हमारे मामा पुलिस में है, मतलब बिहार पुलिस में, और इन बाद में बताएंगे, और सबके बारे में जानकारी देंगे। इनके बारे में इनके बारे में तो जानना है तो डिटेल में जानना पड़ेगा। जाओ बांस खींचो। यही सब करोगे तो क्या होगा? ये क्या बोल रहे, पब्लिक को बताओ। क्षमाओ छोड़ा लेता है तो गाइस देखिए अभी बांस खींचा जा रहा है, मतलब ऐसे उसको निकाला जा रहा है। और ये हमारे मामा हैं, तो गाइस बम्बू ले लिए हैं, देखिए बांस हम उठा लिए हैं, दो दो बांस। और ये देखिए आगे विकास उठाया, पीछे मैं, तो देखिए कितना मेहनत का काम है। शहर में तो गाइस बता देते हैं कि नॉर्मल टेंट वाला सिस्टम हो जाता है, अब यहाँ पे बांस की कमी नहीं है, तो पूरा फुल रीति रिवाज के साथ किया जा रहा है, पूरा बांस काट के। अब पूरा मंडप कल बनेगा तो कल आपको दिखाएंगे। और ये देखिए पूरा रोड भी कीचड़ कीचड़ हो गया है, कल रात में बारिश हो गई या सुबह में भी बारिश हुई थी, तो और अभी बांस और कटा रहा है, मतलब हमको लग रहा है 5-6 बांस और कटेगा, तो अभी हम लोग घर पहले पहुंचा देते हैं, फिर दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो पहले इसको घर ले चलते हैं, उसके बाद आपको सीन दिखाते हैं आगे का, बहुत भारी है गाइस। तो गाइस यहाँ पर बांस हम लोग रख दिए हैं, ये देखिए घर के सामने, ये है घर हमारा माम। और ये देखिए दो लड़के बाज रहे हैं, ये रो रहा है। ए, क्या हुआ? क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
गाय ये देखिए कितना रोड कीचड़ हुआ है पूरा, थोड़ा सा ही बारिश में देखिए ये हालात है इस गांव का। नाली का जुगाड़ी नहीं बना है, चारों तरफ से नाली बंद है देखिए। और ये गांव के सबसे बड़े महारथी और बड़ियार व्यक्ति, कल हम लोग का पंचायत हो गया तो यही मोर्चा संभाले थे बेल्ट निकाल के। तो ये है देखिए गांव का, ये है द्वार और ये देखिए रोड, ये अंदर गांव चला जाता है और पूरा रोड गंदा है, पूरा कचरा भरा है। तो गाइज फिर से आ गए हम लोग बांस लेने के लिए, और देखिए थोड़ा मौसम साफ़ हो गया और धूप भी निकल गई है, और देखिए कल का मतलब खेत में नुकसान भी ज़्यादा हो गया है। ये देखिए सामने से आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा कल आंधी तूफान भी था और बारिश भी हो गया, तो खेत हल्का फुल्का नुकसान हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर से, पहले देखते हैं कितना बांस कटा हुआ है, फिर उसको ले कर चल फिर वापस चला जाएगा घर पर। तो गाइस देखिए ये दूसरा दिन है, ये देखिए अभी मंडप को मतलब सजाने का काम स्टार्ट हो गया है। माइकोदन चालू कर लो, सब बांस इधर आ गया है। और ये देखिए माइकोदन चालू कर, तो बोलो तो आओ था। हेलो हेलो, ए नौचा माइको में देखो तो आओ था हमें। घर का सबसे बड़ा माफिया इंसान यही है, इसी को देख लीजिए आप लोग, सबसे खतरनाक इंसान। ए इधर आओ, ए ओए गाइस अभी अपने काम में बिजी है, इधर आओ इधर आओ। ओए स्लीपर क्यों नहीं पहने, चप्पल चप्पल क्यों नहीं पहने हो, बोलो। टकलू ए टकलू, ये बॉडी बिल्डर तोड़ दिया हड्डी। गाइस बॉडी बिल्डर ये देखिए पीछे, बहुत ही खतरनाक बॉडी इस भाईजान की, आर्मी की तैयारी करता हुआ इंसान ये देखिए। नाम ला रहा था बहुत सार धनिया जो, अभी स्कूल से आया है, जस्ट स्कूल से, फाउंडेशन स्कूल बक्सर का सबसे टॉप स्कूल, कुछ एनसीसी का तैयारी करता है लोंडा। गाइस अभी मंडप को सीधा किया जा रहा है, देखिए नीचे सभी लोग खड़े हैं, और ये देखिए ये बीच में रहेगा, ये झंडा बीच में रहेगा, और ये सब अगल बगल आपको चलते हैं नीचे से दिखाते हैं। ये देखिए सभी लोग नीचे, इसको बीच में गाड़ेंगे, देखिए बालू डला रहा है बीच में। बढ़िया से पूरी शादी का जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर है, देखिए ये गांव के मतलब कर्ता धरता यही है। और ये देखिए पकड़े हुए हैं बांस को, और इनको नींद भी आ रही है कभी से, देखिए ये सब कार्य हो रहा है। और ये देखिए थक गए, मंडप सजाने के बाद प्रकाश भाई अपना झुलुआ झूलते हुए बरगद के पेड़ पे, और ये कुछ लड़के यहाँ पे खेलते हुए, ये देखिए सबसे खतरनाक लड़का, कुछ बोलो कैमरा में बोलो कुछ। चलो बोला, धूप लग रहा है, तो धूप लग रहा है तो आप कुछ पहने नहीं है, गंजे है जी। इनका क्या नाम है, इनका नाम है जख्मी जितेंद्र जी, पूरे गांव को जख्मी किए फिरते हैं। आप कुछ बोलिए, सोना का सिकड़ी बराबर लगा घूमते है, किंग रही चुकल बने,